हेलो दोस्तों, आज हम लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर वन, लियोनार्डो दा विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नीले रंगों में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है, तो हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर दो, लियोनार्डो दा विंची एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। फैक्ट नंबर थ्री, कॉन्टैक्ट लेंस का सुझाव सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने सन 1508 में दिया था। फैक्ट नंबर फोर, कैंची का आविष्कार करने वाले लियोनार्डो दा विंची ही थे। फैक्ट नंबर फाइव, लियोनार्डो दा विंची बाजार से पिंजरे वाले जानवरों को खरीदते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सके। फैक्ट नंबर सिक्स, लियोनार्डो बहुत कट्टर शाकाहारी थे क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। फैक्ट नंबर सेवन, लियोनार्डो दा विंची एक धनी वकील के नाजायज पुत्र थे। फैक्ट नंबर एट, बिल गेट्स ने 1994 में लियोनार्डो दा विंची की किताब कोडेक्स लाइसेस्टर को $30 million में खरीदा था, जिसके कुछ पन्नों को विंडोज 95 में स्क्रीन सेवर के रूप में भी प्रयोग किया गया था। फैक्ट नंबर नाइन, लियोनार्डो दा विंची की पढ़ाई घर पे ही हुई थी क्योंकि ग्रीक व लैटिन में फॉर्मल एजुकेशन की कमी थी। फैक्ट नंबर टेन, लियोनार्डो दा विंची बहुत आसानी से शब्द को उल्टे क्रम में लिख लेते थे, जैसा हमें शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखनी हो। फैक्ट नंबर 11, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के लोवर म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत $780 million थी। फैक्ट नंबर 12, एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के अनुसार लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा 83% खुश, 9% डिस्कस्टेड, 6% डरी हुई व 2% गुस्से में है। फैक्ट नंबर 13, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आंख की दाई पुतली पर अपने हस्ताक्षर किए थे। फैक्ट नंबर 14, यकीन करना मुश्किल है लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने कुछ चीज़ों का आविष्कार 1400 ईस्वी के अंत में या 1500 ईस्वी के शुरुआत में किया था। असल में उन्होंने सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन स्केच तैयार किया था। उन्होंने सबसे पहले रिपीटिंग राइफल व टैंक भी डिज़ाइन किया था, और अगर इतना काफ़ी नहीं है तो उन्होंने सबसे पहला झूलता पुल, पैडल बोट व मोटर कार भी डिज़ाइन किए थे। फैक्ट नंबर 15, ये बात हैरान कर देने वाली है कि इतना कुछ करने वाले लियोनार्डो दा विंची अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गए। फैक्ट नंबर 16, किंग फ्रांसिस वन जो विंची के अच्छे दोस्त भी थे, लियोनार्डो ने 2 मई 1519 में इन्हीं की बाहों में दम तोड़ा था। फैक्ट नंबर 17, लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और मानवता को नाराज किया है, मेरा काम उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था।